नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के जमताड़ा से। ड्राइवर को आई नींद की झपकी, अनियंत्रित टैंकर ने सामने से आ रहे ट्रक को मारी टक्कर, टैंकर सड़क किनारे झोपड़ी में जा घुसा। जमताड़ा नारायणपुर के बीच पबिया में ट्रक और तेल टैंकर के आपस में टक्कर हो गई। इससे अनियंत्रित होकर टैंकर सड़क किनारे एक झोपड़ी में जा टकराया। हादसा पबिया स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ। गनीमत रहा कि झोपड़ी में हादसे के वक्त कोई नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। माना जा रहा है टैंकर ड्राइवर को नींद की झपकी लगी और इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। इधर हादसे के बाद टैंकर को छोड़ ड्राइवर और खलासी मौके से भाग निकले। घटना में ट्रक का ड्राइवर और खलासी सुरक्षित है। झारखंड में बिजली विभाग सख्त, 15 लाख लोगों का कट सकता है कनेक्शन। झारखंड में 15 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन कटने की खबर सामने आई है। यहां ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिजली कनेक्शन लेने के बाद से अब तक एक भी भुगतान नहीं किया है, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विभाग के आंकड़ों की माने तो अगर समय पर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो लगभग 15 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कट सकता है। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। 110 ठीक हुए, वहीं पूर्वी सिंहभूम में एक संक्रमितों की मौत हो गई। अब राज्य में 476 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,113 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,40,463 ठीक भी हुए। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से 12 नए मरीज मिले, चतरा से 1 मरीज मिले, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 15, गुमला से 3 मरीज मिले, हजारीबाग से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 1, लातेहार से 4, रांची से 6, साहिबगंज से 3 और सिमडेगा से 1 मरीज मिले हैं। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। गिट्टी लदा हाईवा घर पर पलटा, घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे, ड्राइवर को आई चोट। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के 3 नंबर रोड में रहने वाले राजू कुमार के घर बीती रात गिट्टी लदा हवा अनियंत्रित होकर पलट गया। घर में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। हवा पलटने से घर क्षतिग्रस्त हो गया, ड्राइवर को हल्की चोट आई है। अचानक से हुई आवाज से घर के लोग उठ गए। सूचना पर शुक्रवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची है। आप सबों को बता दूं कि बैक करने के दौरान हाईवा का पिछला चक्का सड़क किनारे बने नाले में घुस गया, इससे हाईवा अनियंत्रित होकर घर पर पलट गया। बिहार की तर्ज पर हेमंत सरकार झारखंड में भी खोलने जा रही है स्कूल और कोचिंग संस्थान। अनलॉक 6 में मिल सकता है ये छूट। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर काफी कम हो चुकी है। हाट बाजार मॉल सिनेमा हॉल समेत तमाम तरह के प्रतिष्ठान खोल चुके हैं। इसके बावजूद भी अब शिक्षण संस्थाएं जैसे स्कूल कॉलेज कोचिंग के अलावा मंदिर के खुलने का इंतजार है। उम्मीद है कि अनलॉक 6 में अब इन सभी को खोलने की अनुमति राज्य सरकार दे सकती है। शिक्षण संस्थाओं को खोलने को लेकर अभिभावक के साथ साथ कोचिंग शिक्षक संचालक और चैम्बर भी अपना समर्थन कर रही है। इनका मानना है कि कोरोना संक्रमण काल में मानव जीवन के बाद यदि सबसे अधिक प्रभाव किसी चीज पर पड़ा है तो वह है शिक्षा व्यवस्था पर। इधर झारखंड अभिभावक संघ के मनोज मिश्रा का कहना है कि बच्चों को पहले टीका लगवाया जाए, इसके बाद ही स्कूल खोला जाए। उन्होंने कहा फिलहाल 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमों के तहत संचालित की जा सकती है। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से घोषणा पत्र नहीं ले बल्कि स्वयं यह घोषणा पत्र दें कि उनका संस्थान सुरक्षित है और सभी शिक्षण एवं कर्मचारियों ने टीका ले लिया है। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका में सड़क हादसे में एक की मौत। खड़ी हाईवा में बालू लोड ट्रक ने मारी टक्कर, केबिन में फंसा ड्राइवर। जिले के हसडिया दुमका एक्सप्रेस मार्ग पर हसडिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट बाजार के पास बुधवार देर रात खड़े हाईवा में बालू लदे एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे ट्रक ड्राइवर गाड़ी के केबिन में फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए गैस कटर की मदद से केबिन को काटा गया। इसके बाद जख्मी ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतक की पहचान बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के श्री पाथर गाँव निवासी अमरकांत यादव के रूप में की गई। झारखंड में संजीवनी साबित हो रही है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मजदूरों ने किया सीएम को धन्यवाद। आप सबों को बता दूं कि कोरोना संक्रमण के बाद बड़ी संख्या में न सिर्फ मजदूर दूसरे राज्य से झारखंड वापस लौटे बल्कि झारखंड में कोरोना काल में उनके सामने रोजी रोजगार की बड़ी समस्या आई। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लागू किया। इस योजना के तहत श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड बनाया गया।
जॉब कार्ड के तहत मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के जरिए कम से कम 100 दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया। इस योजना से पूरे राज्य में शहरी मजदूरों को न सिर्फ काम मिलने लगा बल्कि मजदूरी भी अच्छी मिलने लगी। इस योजना के तहत प्रतिदिन 316 रुपये मेहनताना भी दिया जाता रहा। आप सबको बता दूं कि अगर इस योजना की सफलता के बारे में बात करें तो बुंडू जैसे इलाके में तो ये योजना लॉकडाउन में मजदूरों के लिए संजीवनी का काम करी और श्रमिकों के लिए वरदान की तरह साबित हुई। बुंडू में पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत लगभग 100 एकड़ में फैले तालाब में सफाई का काम चल रहा है। इसके साथ साथ कम्युनिटी शौचालय हो, सड़कों की सफाई हो या अन्य निर्माण के कार्य, उन क्षेत्रों में यहाँ के श्रमिकों को लॉकडाउन जैसे हालात में काम और मजदूरी दोनों मिलने लगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 15 दिनों तक सामान्य रहेगा मानसून। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 15 दिनों के मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया है कि राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। राज्य में 9 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक राज्य में सामान्य बारिश होगी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और चतरा में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। शनिवार के मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में ही हल्के मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर 2 चक्रवाती क्षेत्र का असर देखने को मिल रहा है। इसके कारण 1 से 2 दिनों तक विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। एक चक्रवर्ती क्षेत्र का ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। वहीं एक चक्रवाती क्षेत्र समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसका असर भी राज्य में देखने को मिल रहा है। अब पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय रहा। ऐसे में राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश पाकुड़ के पाकुड़िया में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी रांची में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ट्रैफिक चालान का जुर्माना नहीं भरा तो बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट से जारी होगा वारंट। ट्रैफिक चालान मिलने के बाद भी जुर्माना नहीं भरने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए रिमाइंडर भेजेगी। रिमाइंडर भेजने के बाद भी जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियोजन की कार्रवाई के लिए ट्रैफिक SP की ओर से कोर्ट को रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से वारंट जारी होगा। रांची के ट्रैफिक SP अंजनी अंजन ने बताया जिन्होंने अब तक जुर्माना नहीं भरा है रिमाइंडर मिलने के 1 सप्ताह के भीतर जुर्माना भर दें वरना अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। झारखंड सरकार तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी। कोरोना की दूसरी लहर लगभग अंतिम पड़ाव पर है और राज्य सरकार अब संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। आप सबको मालूम हो कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार यह आशंका जता रहे हैं यदि तीसरी लहर आती है तो संभव है कि इस बार महामारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे। इसे लेकर अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट भी यही संकेत दे रही है। ऐसे में अभी से ही व्यवस्था चाक चौबंद करनी जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ऑन स्पॉट जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। रांची के ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करेगी। इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सभी ट्रैफिक पोस्ट पर नए फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर डिवाइस दे दिया गया है। हालांकि इसकी ट्रायल रन भी किया जाना है। ट्रैफिक SP की ओर से सभी ट्रैफिक पोस्ट पर यह डिवाइस उपलब्ध करा दिया है। इस डिवाइस के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने के दौरान ट्रैफिक पुलिस ऑन स्पॉट DL जब्त कर डिवाइस से एक जब्ती रसीद प्रिंट कर नियम तोड़ने वालों को दिया जाएगा। इसके बाद जब्त लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कई कारणों से आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है। इसमें से अगर आप बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडर, ड्रंक एंड ड्राइवर, ओवर स्पीड और रेस ड्राइविंग पर रहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। इसके बाद नियम के अनुसार लाइसेंस को सस्पेंड करने की अनुशंसा DTO से किया जाएगा। PGTRL की सभी 9 जनजाति भाषाओं के लिए होंगे अलग अलग विभाग। एकेडमी काउंसिल की बैठक में लगी मुहर। RU PGTRL की सभी 9 जनजातीय भाषाओं के लिए अलग अलग विभाग बनाया जाएगा। डीन भी अलग होंगे जबकि अभी सभी भाषाओं के लिए एक ही HOD होंगे।
शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इसी साल से नामांकन प्रारंभ भी होगा। आप सबको बता दो कि PGTRL विभाग में सभी भाषाओं को सेपरेट विभाग का दर्जा देने के साथ छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। आप सबको बता दो कि PGTRL विभाग में 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। इनमें 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा है। इसमें खोटा, कुडुख, कुरमाली, नागपुरी, संथाली, मुंडारी, पंच परगनिया, हो और खड़िया शामिल है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।